यक ना शुद दो शुद। गैस की किल्लत के साथ एलपीजी भी महंगी, शहरियों पर एक के बाद एक परेशानी, बारिश की तरह बरसने लगी। ठंडे चूल्हों को गर्म करने के लिए माफिया मुंह मांगी कीमत लेने लगा। रोजाना करोड़ों की सिलेंडर गैस ब्लैक में फरोख। दिसंबर के 16 आयाम में 1 अरब 25 करोड़ की एलपीजी ब्लैक हो चुकी। वजीर आला सरदार उस्मान बुज़दार का सख्त नोटिस। एलपीजी की कीमतों में इजाफा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। सर्दी की शिद्दत बढ़ने से गैस में कमी, कहीं सुई गैस का प्रेशर तो कहीं बंदिश। फतेहगढ़ और गाजियाबाद के रहायशियों के सबर का पैमाना लबरेज। सड़कों पर निकलकर एहतजाज। नवाबपुरा रोड इचरा में जमात इस्लामी का गैस बंदिश के खिलाफ मुजाहिरा, शदीद नारेबाजी। लाहौर का व्हाइट हाउस खतरे में। जोहर टाउन में अफजल खोखर और सैफुल मुल्क खोखर की रहायशगाह खोखर पैलेस गैर कानूनी होने का इंकशाफ। एलडीए से कॉन्ट्रैक्ट डीलर से बगैर मंजूरी तामीरात की गई। लाहौर न्यूज ने हकायक से पर्दा उठाया। चीफ जस्टिस के अहकाम के बाद एलडीए के इंकशाफात पर मबनी रिपोर्ट तैयार। खोखर पैलेस के बिलमुकाबिल सरकारी अराजी पर कब्जे का मामला। एलडीए का जोहर टाउन में ऑपरेशन। सैकड़ों केनाल सरकारी अराजी वागजार करवा ली गई। फाइनेंस एंड ट्रेड सेंटर ब्लॉक में वाकई 1000 केनाल अराजी। बजाहिर नजर आने वाली झुग्गियां कीमती सरकारी अराजी पर कब्जा करने की आड़ में पहले मरहले के तौर पर लगाई जाती हैं। एलडीए बाआस्ता अफराद को झुग्गियों का किराया अदा करते थे। मकीन एलडीए एवेन्यू 1 में ऑपरेशन क्लीनअप। एलडीए एवेन्यू 1 और जुबली टाउन में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई की गई। रिहायशी इलाकों में कमर्शियल सरगर्मियों पर 60 जायदादों के बाहर लगे इश्तिहारी बोर्ड मिस्मार। कब्जा माफिया मंशा बम और उसके बेटे आसिम मंशा का मजीद 5 रोजा जुडिशल रिमांड। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने जेल भिजवा दिया। मुलजमान के खिलाफ दर्ज 8 मुकदमों में रिपोर्ट और चालान मुकम्मल किया जा रहा है तफ्तीशी ऑफिसर। पंजाब में 190 अरब रुपए की 370 तरक्याती स्कीमों में नाकिस मटेरियल के इस्तेमाल का इंकशाफ। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरावाला, रावलपिंडी समेत 26 इजलाह की स्कीमें शामिल। सड़कों गलियों की तामीर और मरम्मत में नाकिस मटेरियल का इस्तेमाल हुआ। ठेकेदारों को सारे पैसे मिल गए। फंड्स क्लियर करवाने में मुबैना तौर पर महकमे बल्दियात, मवासलात और दीगर इंतजामिया मुलविस रही। गुज़श्ता बरसों में घपलों से मुतालिक रिपोर्ट्स आ रही हैं। महकमे बल्दियात ऑपोजिशन लीडर हमजा शहबाज और डिप्टी मेयर वसीम कादिर की होने वाली आपसी बदमजगी का नतीजा। पार्टी में एक और दरार। वसीम कादिर ने भी नून लीग को खैरबाद कह दिया। माजरा क्या हुआ? पहले हमजा शहबाज से पूछें, वो हकीकत नहीं बताएंगे तो मैं खुद बोलूंगा। वसीम कादिर, हमजा शहबाज ने 40 बल्दियाती नुमाइंदों की मौजूदगी में बरहम होते हुए वसीम कादिर को पानी की बोतल दे मारी। इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल। माली फवायद हासिल करने और मनपसंद अफराद को नवाजा गया। आशियाना इकबाल केस में शहबाज शरीफ के खिलाफ तहकीकात मुकम्मल। नैब ने ओपोजिशन लीडर कौमी असेंबली के खिलाफ 100 से जायद सफहात पर मुश्तमिल रेफरेंस तैयार किया। चेयरमैन नैब की मंजूरी के बाद रेफरेंस एहतसाब अदालत में दायर किया जाएगा। साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब शहबाज शरीफ के दामाद अली इमरान यूसुफ भी कब्जा ग्रुप की फहरिस्त में शामिल। शहरी ने घर पर कब्जे के खिलाफ दरख्वास्त नैब को जमा करवा दी। अली इमरान ने 96H मॉडल टाउन ब्लॉक गर्गन पॉइंट पर घर अपने नाम करवाया। झूठे केस में फंसाकर जुर्माने के तौर पर 19 लाख रुपए तलब किए गए। शहरी ताहिर खान का इल्जाम। एक लाख 93 हजार केनाल अराजी स्कैंडल का मामला। नामजद मुलजिम अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? 3 माह गुजर गए, सिविल अदालत ने अब तक फैसला क्यों नहीं दिया? हाई कोर्ट के जस्टिस अली अकबर कुरैशी बरहम। पुलिस, सेशन जज और सिविल जज से रिकॉर्ड तलब।
हेलमेट के बगैर नई मोटरसाइकिल बेचने पर पाबंदी, नई मोटरसाइकिल फरोख्त करने वाले हेलमेट भी साथ देना होगा। लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म जारी कर दिया, बगैर हेलमेट के मोटरसाइकिल फरोख्त ना की जाए। जस्टिस अली अकबर कुरैशी। वज़ीर कानून पंजाब राजा बशारत की फ़ोन कॉल लीक होने का मामला, वज़रा की मुदाखलत के हवाले से हुकूमती सतह पर पॉलिसी तश्कील देने पर गौर। ज़राए का कहना है कि कोई भी वज़ीर दूसरी वजारत में बराहे रास्त मुदाखलत नहीं करेगा, वज़रा किसी भी वजारत से शिकायत पर मुतल्लिका वज़ीर को आगाह करेगा। आज हमें 30 साल की हुकूमत के ताने दिए जाते हैं, कुर्बानियों के जरिए मुल्क में जमहूरियत का अमल शुरू हुआ। हमने हुकूमत से कभी भी रिलीफ नहीं मांगा, तहरीक इंसाफ की हुकूमत पहले 100 दिनों में बुरी तरह नाकाम। पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के सदर कमर जमान कारा की मीडिया से गुफ्तगू। सेकेंडरी अस्पतालों की इमरजेंसी की बेहतरी के लिए तरजीही बुनियादों पर इकदाम करने का हुक्म। सर्दियों में इमरजेंसी और वार्ड्स में हीटर्स की सहूलत लाजमी फराहम की जाए। वज़ीर सेहत डॉक्टर यासमिन राशिद की ज़ेर सदारत आला सतह का अजलास। पंजाब के 5 अजला में माँ बच्चा अस्पतालों की तामीर के लिए 60 मिलियन रुपये मुख्तस। मेरी कॉम के बच्चों में बहुत टैलेंट मौजूद है। पाकिस्तानी तुलबा का शुमार दुनिया के ज़हीन तरीन तुलबा में होता है। बदकिस्मती से हुकूमतों ने कोई खास तवज्जो नहीं दी। सूबाई वज़ीर सनअत व तजारत मियाँ असलम इकबाल का तकरीब से खिताब। हर साल 12 लाख अफराद को रोजगार फराहम करने का ऐलान। सूबाई वज़ीर मियाँ असलम इकबाल ने UC 76 में खुली कचहरी भी लगाई। बोले, आवाम की सुनवाई ना करने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होगी। पाकिस्तान की सालमियत, इस्तेहकाम और तरक्की और खुशहाली में मसीही बिरादरी का किरदार मिसाली रहा है। वही कौमें तरक्की करती हैं जो मिलकर जदोजहद करती हैं। मसीही बिरादरी ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से काउंसिल ऑफ बशिप के 9 रुकनी वक्त की मुलाकात। गवर्नर पंजाब ने ज़रई तरक्याती बैंक के इस्लामिक बैंकिंग सेटअप का इफ्तिताह किया। क्रिसमस बड़ा त्यौहार, मसीही बिरादरी खुशी से सरशार। सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान भी मसीही बिरादरी की खुशियों में शरीक। मियां मीर कॉलोनी में तकरीब के दौरान क्रिसमस का केक काटा। कहा, नए बलदियाती निज़ाम में अकलियतों के लिए मखसूस नशस्तें होंगी। नई हुकूमत में बल्दियाती नुमाइंदों की भी सुनी गई। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन समेत बल्दियाती इदारों को 2 अरब 73 करोड़ से ज्यादा फंड्स जारी। मजमूई फंड्स में से लाहौर के लिए 16 करोड़ रुपए मुख्तस। गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन बुक खत्म हो गई, स्मार्ट कार्ड का इजरा। एक्साइज ऑफिस में स्मार्ट कार्ड्स हासिल करने वालों का तांता बन गया। पहले रोज 1000 शहरियों को कार्ड्स भिजवाए गए। सिक्योरिटी फीचर्स, कार्ड पर शहरी का नाम, घर का पता, गाड़ी का रंग, मॉडल नंबर समेत तमाम तफसीलात दर्ज। दूसरों को नसीहत, खुद मियां फसीहत। पंजाब पुलिस के 2,98,482 मुलाजमीन जराय में मुलविस। 2013 से 2017 के दौरान 994 DSP, 9,315 इंस्पेक्टर और 54,313 सब इंस्पेक्टर जराय में मुलविस। 3 माह कबल लापता होने वाली 30 साल नीलम की लाश मिल गई। SP सदर अली रजा ने बताया कि शोहर आरिफ ने दूसरी बीवी सकीना से मिलकर नीलम को कातिल किया और लाश घर के सहन में दफन की। घरेलू झगड़े पर छुरियों के वार करके नीलम को कातिल किया। हुआ ये कि एक हस्बैंड है, उसके आगे 2 वाइफ्स हैं और जो आरिफ है एक्चुअली वो इसमें कल्प्रेट है मेन। इसकी एक बीवी सकीना है और दूसरी है जो है नीलम को इन्होंने एक्चुअली सकीना जो है वो सेकंड वाइफ है तो उसने नीलम को मारा है। तो नीलम की डेड बॉडी रिकवर हो गई है, अब आगे इंशाल्लाह इन्वेस्टिगेशन होगी तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चालान करने और नंबर प्लेट उतारने पर महकमे एक्साइज और ट्रैफिक पुलिस में जंग छिड़ गई। महकमे एक्साइज ने ट्रैफिक एहलकारों की गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों की नंबर प्लेटें उतार दी थी। ट्रैफिक वार्डस ने एक्साइज दफ्तर के बाहर नाके लगाकर चालान शुरू कर दिए।
मुदई सुस्त गवाह चुस्त 5000 से जायद फीस वसूल करने वाले स्कूल्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए महकमे स्कूल एजुकेशन ने चुप साध ली, FIA मुतहरिक। असातजा के तबादलों में घपले, अथॉरिटीज में मनपसंद असातजा के तबादले, सैकड़ों शिकायत मौसूल होने पर महकमे स्कूल एजुकेशन ने नोटिस ले लिया, तमाम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज से रिकॉर्ड तलब। म्यानी साहब कब्रिस्तान सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने नई कमेटी बना दी, DC लाहौर सोहला सईद चेयरमैन होंगी, DIG ऑपरेशंस, डायरेक्टर एडमिन, LDA समेत 15 मेंबरान पर मुश्तमिल कमेटी में सरकारी और गैर सरकारी अराकीन शामिल। बरकत टाउन के जामिया मस्जिद दवैसिया में 14वीं सालाना महफिल मिलाद का अहतमाम, नात खानों ने बारगाह रिसालत में गुलहाय अकीदत पेश किए, उलमाए कराम ने सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी दर्स दिया। इंटरनेशनल हॉकी की 14 साल बाद पाकिस्तान वापसी, नेशनल हॉकी स्टेडियम में इंटरनेशनल हॉकी सीरीज ओपन का मेला सच गया, सूबाई वजीर कानून राजा बशारत की खसूसी शिरकत, इफ्तिताही मैच में उज़्बेकिस्तान की टीम ने अफगानिस्तान को 11 गोल से शिकस्त दी, जबकि पाकिस्तान ने नेपाल के साथ दोस्ताना मैच 9-0 से जीत लिया। हेड कोच तौकीर डार के बाद पाकिस्तान हॉकी टीम के मैनेजर हसन सरदार भी ओहदे से मुस्ताफी, कहा हॉकी को फरोग देने के लिए पैसा लगाया जाए और निजाम बेहतर बनाया जाए, ऐसा मुमकिन नहीं तो आलमी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी खत्म कर दें, मुस्ताफी मैनेजर ने वज़ीर-ए-आज़म से तवज्जो की अपील की।